हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्या। आज हम बात करने वाले संख्याओं के बारे में। ऐसे संख्याओं के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं पर। संख्याओं के सबसे पहले बात करते हैं, संख्याओं की खोज कैसे हुई? क्योंकि संख्याओं को पढ़ने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए संख्याएं आई कहाँ से। तो चलो हम बात करते हैं, संख्याएं आई कहाँ से, इसके जनक कौन है और कौन से देश का योगदान है इसको संख्याओं के बारे में बताने में। तो एक मान्यता आपने लेते हैं भारत की, तो भारत के अंदर एक ब्रह्मगुप्त नाम के गणितज्ञ थे जो नदी के किनारे पर जाते थे, वहां पर पत्थरों को इकट्ठा करते थे, फिर पत्थरों को इकट्ठा करते थे और उसको गिनना चाहते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ, रोज के रोज वो सब नदी के किनारे तो जाते थे लेकिन वो पत्थरों को गिन नहीं पाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो गए घर पे और दूसरे दिन वो नदी किनारे पर नहीं जा सके और वो पत्थरों को उनको ऐसा लगा कि पत्थर कम हो गए। तो पत्थर कम हुए तो कितने कम हुए, उनको इसका आइडिया ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर बैठे नदी के किनारे और वो पत्थरों को लिए, एक एक पत्थरों को लिया बारी बारी से और उसको गिनने की कोशिश करना चालू किया। उन्होंने गिनना चालू किया तो क्या हुआ, पत्थरों को गिनने में उनको थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी, परेशानी हो रही थी कि कैसे उसको गिना जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर को लिया, उसके ऊपर उन्होंने एक निशान जैसा लगाना चालू किया। तो उन्होंने एक पत्थर लिया, उसपे एक स्टार बनाया, ठीक है, पहला पत्थर लिया उसपे स्टार बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा पत्थर लिया उसपे दो स्टार बनाया, उसके बाद उन्होंने तीसरा पत्थर लिया उसपे तीन स्टार बनाया, ऐसे ही उन्होंने चौथा लिया उसपे चार स्टार बनाया, पांचवा लिया पांच स्टार बनाया, ऐसे स्टार बनाते बनाते उन्होंने नौ नौ पत्थर तक लिया और नौ पे नौ नौवे पत्थर पे नौ स्टार बनाया उन्होंने, ठीक है। फिर बात आती है दसवें, तो दसवें पे वो कंफ्यूज हो गए यार कैसे करा जाए कि दसवें पे क्या बना हुआ ऐसा। तो थोड़े से परेशान हो गए वो, दसवां पत्थर कैसे बताओ उसपे, उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो गए। तो उन्होंने थोड़ा शांति से बैठे शांति से और उन्होंने सोचना चालू किया। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया उसपे, दसवें नंबर जो पत्थर लिया उसपे एक चाँद बनाया और उसके ऊपर एक छोटा सा चाँद बना लिया, तो मतलब वो हो गया 10। अब 11वें पत्थर के लिए उन्होंने क्या किया, 11वें पत्थर पर उन्होंने एक बड़ा चाँद बनाया उसपे एक छोटा चाँद और उसपे एक स्टार, तो ऐसे ये हो गया 11। इस तरीके से उन्होंने नंबर को आगे बढ़ाया, ठीक है। और जीरो की खोज किसने की, तो ये तो आप सबको पता ही है, हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की थी, ठीक है। और एक दूसरी मान्यता ऐसा है कि ये सबसे पहले जो अरब के लोग थे ना, अरब के लोग, उन्होंने संख्याओं के बारे में बताया था, इसीलिए इसको हिंदी अरबी संख्या भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अपने सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, अब संख्याओं के बारे में जानने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि संख्याएं को कितने प्रकार है, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में जिसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर मतलब जो आप, अगर आपको कोई बोले कि ये हाथ में कितनी उंगलियां है तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करोगे ना, कि ऐसा तो नहीं कि आप बोलोगे 0 1 2 3 ऐसा तो नहीं ना। तो जो भी काउंटिंग नंबर होती है 1 से स्टार्ट होती है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे कोई बोले तो नेचुरल नंबर कौन से होगा, तो आप सीधा बोलेगा काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे, होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। अब देखो जो अपना काउंटिंग नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इंफिनिटी तक की संख्याओं को अपने नेचुरल नंबर बोलते थे 1 से, ठीक है। खाली उसमें क्या होगा, होल नंबर में क्या आ जाएगा, इसमें 0 यहां पर 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक की संख्याओं को बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। 0 से चालू होती है, होल नंबर जो है 0 से चालू होता है, 0 से चालू, 0 से लेके इंफिनिटी तक की संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अगर कोई 10 लाख भी बोले, 10 लाख, ठीक है, कोई 2 मिनट, चलो 100 बोले तो 100 क्या होगा, ये भी तो क्या है, नेचुरल नंबर भी है होल नंबर भी है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर अपने 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 100 तो आने वाला ही है ना, तो 100 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या भी ले लो, ठीक है, संख्याएं कभी खत्म होती नहीं है। आप
एक से चालू करो, टेन लैख वन, टेन लैख टू, टेन लैख थ्री, टेन लैख फोर, ये तो आगे बढ़ती जाएगी। आप 10 करोड़ वन लो, 10 करोड़ टू लो, 10 करोड़ थ्री लो, संख्याएं कभी खत्म होती नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर, जो संख्याएं माइनस वाली होती, जितनी भी माइनस वाली संख्याएं हैं सबके सबके संख्या है नेगेटिव नंबर है, ठीक है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर से लेके इंफिनिटी, मतलब माइनस टेन लैख भी क्या है, नेगेटिव नंबर। इन शॉर्ट में समझ लो कि जिसके आगे माइनस लग जाओ वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, समझ। चलो अब बात करते हैं इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर में क्या होता है बेटा, जो ऐसी संख्या जिसमें सबके सब किसे हो, देखो यानी इसमें होल नंबर भी आ जाए, नेचुरल नंबर भी आ जाए, होल नंबर भी आ जाए और नेगेटिव नंबर भी आ जाए, वो क्या होगी, वो इंटेजर नंबर होगा, ठीक है। किसे नंबर होगा, इंटेजर नंबर। देखो जैसे अब मैं यहां देखो, अब इसमें जीरो भी आ जाएगा, वन टू थ्री से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को बोलेंगे इंटेजर नंबर। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को इंटेजर नंबर। मतलब इंसर्ट में सुनो, जिसमें प्लस वाली संख्या भी हो, माइनस वाली भी हो और जीरो भी हो, उसे बोलते हैं इंटेजर नंबर, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं इवन नंबर, मीन्स सम संख्या। सम संख्या आपसे कोई बोले सम संख्या कौन सी, आप बोले का टू का टेबल आता है भाई, टू का टेबल ही क्या है, सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू, ऐसी संख्या जो टू से डिविजिबल हो, मतलब दो से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचे, ठीक है। चलो देखो मैं आप लेता हूं, यहां पर फोर लेता हूं, फोर लेता हूं, ठीक है। तो फोर लिया, टू वन, टू का डबल ऐसा पड़ा, फोर आ गया, टू टू जा फोर, तो फोर जीरो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जिस जो टू से डिविजिबल हो, जो संख्या टू से डिविजिबल होगी वो इवन नंबर होगी। इन शॉर्ट में समझ लो कि जिसके लास्ट में टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो और जीरो हो, यानी टेन का जीरो ले लो, जिसके लास्ट में टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा और जीरो होगा लास्ट में पीछे का जीरो, ठीक है, जीरो होगा वो इवन नंबर होगा, मतलब होगा कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। अगर मैं यहां पर ले लो, इसको इरेज कर देता हूं, देखो अगर मैं यहां पर ले लूं 8, 4, 6, तो लास्ट में 6 है, 6 है तो 6, अगर 6 लास्ट में 6 हो तो मतलब वो इवन नंबर होगा, मतलब हो गए, ठीक है, इवन नंबर हो गए, जिसके लास्ट में 6 हो वो होगा, ठीक है। चलो और यानी अब आता है ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर मतलब द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, ऐसी संख्या जो दो से डिविजिबल ना हो, दो से भाग न जाते हो, पूरे पूरे कटते ना हो, उसको बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर देखता हूं, ठीक है, अब 9 लिया मैंने, 9 टू से डिविजिबल है, चेक करते हैं, 2, 4, 8, 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो हमें रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, जो संख्याओं में टू से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर बचता तो वो ओड नंबर होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर जीरो आता तो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में समझ जाओगे, यानी जो दो के पहाड़े में आते हो वो सम संख्या, और जो दो के पहाड़े में नहीं आते हो वो ओड नंबर, ठीक है। मतलब टू से डिविजिबल होगा तो इवन नंबर होगा, और टू से डिविजिबल नहीं होगा तो ओड नंबर होगा, ठीक है। अब अपने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा, नेगेटिव नंबर सीखा, इंटेजर नंबर सीखा, इवन नंबर सीखा और ओड नंबर सीखा। बाकी की जो संख्या बचती है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो।